जैसे मौसम बढ़ता जा रहा है उसी तरह से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, और बढ़ता पॉल्यूशन सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर पॉल्यूशन शरीर में चला जाए तो कई तरह की गंभीर बीमारी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये पॉल्यूशन अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन अब सवाल ये है कि अस्थमा जैसी गंभीर समस्या से आखिर बचा कैसे जाए? ऐसा क्या उपाय है जो अस्थमा की समस्या से बचाव रखता है, यानी कि आपको बचा के रख सकता है? साथियों, अस्थमा की समस्याओं में ज़्यादा दवाओं का सेवन करना भी किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन आज मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। आज मैं आपको अस्थमा की समस्या से मुक्त कराने का बेहतरीन और कारगर इलाज लाई हूँ। अगर आपने आज के हमारे ये घरेलू टिप्स अपना लिए तो यकीन से कहती हूँ कि आप अस्थमा से कोसों दूर रहेंगे। अगर आप अस्थमा की समस्या से जूझ भी रहे हैं तो आपको इस समस्या से बहुत कम समय में ही निजात मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है समर और आज मैं आपको अस्थमा जैसी गंभीर समस्या से बचने के घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। साथियों, अस्थमा की समस्या में सबसे कारगर और बेहतरीन उपाय है कि आप अपनी डाइट पे फलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और फलों में सबसे ज़्यादा संतरा फायदेमंद है, क्योंकि संतरे में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये फेफड़ों के अंदर होने वाली सूजन को ख़त्म करने में मदद करता है, जिससे सांस लेने की समस्या में परेशानी नहीं होती। इसके साथ ही दोस्तों, रोज़ाना सेब खाना भी अस्थमा के मरीजों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। साथियों, अस्थमा की समस्या से बचे रहने का अब मैं आपको अगला उपाय बताती हूँ। साथियों, सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में अदरक का सबसे ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अगर आपको अस्थमा जैसी गंभीर समस्या के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अदरक का रोज़ाना सेवन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अदरक सांस की नली की सूजन खत्म कर उन्हें रिलैक्स करने में मदद करता है। अदरक को अगर हर दिन सूप या सब्जी में मिलाकर खाया जाए या फिर अदरक की चाय पी जाए तो अस्थमा के मरीजों को बदलते मौसम में होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। साथियों, अस्थमा से बचने के अगले उपाय की बात करें तो वो है हल्दी। साथियों, हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हल्दी में बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। अदरक और हल्दी एक ही फैमिली के पौधे हैं। इन दोनों को डाइट में लेने से सांस की तकलीफों में आराम मिलता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन की समस्या को खत्म करता है। अस्थमा में फेफड़ों और सांस की नली में होने वाली सूजन में आराम देने के लिए हल्दी का सेवन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। साथियों, हरी पत्तेदार सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं है तो आप तब भी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। अस्थमा के रोगियों के लिए ये सब्जियाँ बहुत ही असरदार और गुणकारी है। खासतौर पर पालक, ये ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। पालक में फोलेट यानी विटामिन बी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और अस्थमा के मरीजों के लिए फोलेट बेहद ज़रूरी है। अस्थमा के मरीजों को पालक का भरपूर सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको अस्थमा की समस्या से बचने का अगला उपाय बताती हूँ। साथियों, अनार हमारी हेल्दी सेहत के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और अनार का जूस पीने से फेफड़ों के टिश्यू के डैमेज होने के चांस कम रहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अनार सांस की नली में होने वाली सूजन को कम करके उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। अगर आप हेल्दी और फिट हैं तब भी अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आप अनार के जूस का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अस्थमा जैसी गंभीर समस्या में कारगर और घरेलू इलाज की बहुत ज़रूरत होती है। अगर अस्थमा का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो इस समस्या के कारण कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस समस्या में आप टमाटर के जूस का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ ये लो कैलोरी फूड में भी गिना जाता है। अगर आप टमाटर का जूस पीते हैं तो ये सांस लेने की तकलीफ को कम करता है। साथियों, बढ़ते पॉल्यूशन के कारण शरीर कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसका सबसे कारगर इलाज यही है कि खुद को पॉल्यूशन से बचा कर रखें और अपनी डाइट का खासा ख्याल रखें, क्योंकि डाइट ही हमारे शरीर को अंदर से मजबूत रखती है। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी न किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए समर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।